हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेके रोज में। और आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन को डिकोड करके उसका सोर्स कोड बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहें। अगर आप ऐप की रीस्किनिंग करते हैं तो ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप फ़ोन में ही ईजिली किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी ऐप का सोर्स कोड निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोर्स कोड होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक एप्लीकेशन कई फाइलों से मिलकर बना होता है। जो एपीके होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म होता है उन कई फाइलों का। इन फाइलों में आती है एक्सएमएल की फाइल, कुछ रिसोर्सेज की फाइल और फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, जावा की फाइलें। तो बस जो फाइल्स का ये सेट होता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। और जैसे कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एपीके है उसको उसके पिछले वाले स्टेज में हम कैसे कन्वर्ट करें, जिसमें हमको कई फाइलें अलग अलग मिल जाएगी, एक्सएमएल की फाइल, जावा की फाइल और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो भी है, ताकि हम उसमें चेंजेस कर सकें इजिली। किसी भी आईडी में आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईडी का एग्जांपल हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो और इक्लिप्स, और उसमें इजिली आप चेंज करके अपने जो भी अपने हिसाब से चेंज आप कर सकते हैं, जैसे कि एड आईडीज और आइकन नेम। एपीके एडिटर से आप कुछ लिमिटेड रूप से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे ऐप बनता है वैसे आप बस आपको बेस मिल जाएगा, सोर्स कोड मिल जाएगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे हम जानते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है सो जावा। तो गाइस मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी सर्च करके, सो जावा। तो भले ही इसका नाम सो जावा है बट ये पूरा सोर्स कोड देता है। काफ़ी एप्लीकेशन और है, बस मुझे ये एक्यूरेट ज़्यादा लगा इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो चलिए गाइस थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है, फिर भी मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए ये वो ऐप है। तो यहाँ पे आपको सिंपली से ओपन कर लेना है और अपने टारगेट एपीके को यहाँ पे लोड करना है। देखिए पहले से मैंने एक कर रखा था, यहाँ पे देखिए गाइस इसका पूरा सोर्स कोड मेरे पास आ चुका है। इसकी इसका आइकन, इसका जेसन फाइल जो होता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, SRC में जावा और रिसोर्सेज फाइल अलग अलग मिल गए हैं, जिसमें हमको पूरा एकदम वैसा ही जैसा एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाते हैं वैसा ही आपको फाइल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो आपको ये तो गाइस यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और टारगेट एपीके को सेलेक्ट कर लेना है, चाहे वो SD कार्ड हो में हो या फिर इंस्टॉल्ड हो, तो इसी हिसाब से आप कर लेना। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया और एडसेंस को मैं एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डिकम्पाइलर मिलते हैं जो भी सबका काम अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर एक से ना हो तो आप दूसरा और तीसरा भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे फास्ट वाला है वो मैं ट्राई करता हूँ, फास्ट वाला। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि क्या क्या अभी मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन का साइज कितना है उस हिसाब से ये हो जाता है। तो चलिए गाइस इस पोर्शन को हम स्किप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सोर्स कोड। तो गाइस कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेता है, जैसे यहाँ पे मेरा इसने दिमाग तो ख़राब कर दिया। तो चलिए गाइस यहाँ पे आ गया है डिकम्पाइल ओके। तो आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आइकन मैनिफेस्ट फाइल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था सारे फोल्डर्स और फाइल्स वैसे ही मिल जाते हैं। अब आप इसे किसी भी आईडी में इंपोर्ट करके चेंजेस कर सकते हैं। तो एडसेंस में तो मत ही करना, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया आपको। और यहाँ पे आपको सेव करने के लिए क्लिक करना होगा इस शेयर के आइकन पे। यहाँ पे देखिए गाइस कंप्रेसिंग सोर्स यानी इसको एक जिप फाइल में ये कन्वर्ट कर देगा, जिसे आप एक्सट्रैक्ट करके इजीली सारे फाइल्स को ले सकते हैं। तो इसे हम होने देते हैं कंप्रेस। यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे सेव टू ड्राइव कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ब्लूटूथ पे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको थोड़ा भी काम का लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जल्दी। ओके।